बिलासपुर के अग्रसेन चौक रोड स्थित मखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बुधवार को बच्चेदानी और स्त्री रोग से संबंधित 10 महिलाओं की दूरबीन पद्धति द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। वहीं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के डॉक्टर प्रतिभा मखीजा ने महिलाओं के बच्चेदानी की समस्या के अंतर्गत बच्चेदानी की गठान और बच्चेदानी में दीवार, बच्चेदानी में मस्सा, अंडाशय में गठान, अंडाशय में सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, बंद ट्यूब को खोलना और मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्त स्त्राव और बांझपन का निदान, बार बार गर्भपात आदि बीमारियों का दूरबीन से सफल ऑपरेशन किया गया। जहां डॉक्टर मखीजा का कहना है कि महिलाओं को होने वाली ऐसी प्रमुख समस्याओं का इलाज इस दूरबीन पद्धति से संभव है। वहीं डॉक्टर प्रकाश मखीजा ने बताया है कि हमारे संस्थान में संपूर्ण जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हमारा अस्पताल विगत 3.5 साल से निसंतान दंपतियों के लिए कार्य कर रहा है। हमारे सेंटर में निसंतान दंपत्य संबंधित संपूर्ण जांच और इलाज की सुविधा है। जो निसंतान दंपत्ति है वह ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी ही इलाज की एकमात्र पद्धति है, यह गलत अवधारणा है। सर्वप्रथम निसंतान दंपत्ति आने पर उनकी संपूर्ण जांच होती है, उसके आधार पर उनको पता चलता है कारण कि क्या कारण है निसंतानता का, उसके आधार पर इलाज होता है। इलाज के अन्य माध्यम जैसे दवाइयों के माध्यम से इलाज, IUI के माध्यम से इलाज, लेप्रोसिस्टोस्कोपी दूरबीन पद्धति द्वारा बहुत सारी बच्चादानी से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। जैसे बच्चादानी में गठान, बच्चादानी में पॉलिप होना, बच्चादानी में दीवार होना, उसको हिस्टोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के माध्यम से निकाला जाता है। उसके बाद ही बहुत सारे संतान दंपत्तियों को संतान सुख प्राप्त होता है। हमारे सेंटर में सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, दूसरे राज्यों से भी मरीज आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। और मखीजा टेस्ट ट्यूब सेंटर बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ मध्य भारत में निसंतान दंपतियों का इलाज कर रहा है। निसंतानता का इलाज महंगा है, इसलिए आपका अच्छे सेंटर का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका चयन गलत होगा तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपके पैसे व्यर्थ चले जाते हैं। तो निसंतानता संबंधी इलाज कराने से पहले आप इस बात का चयन अवश्य करें और लोगों से जानकारी भी लें कि हम जहाँ सेंटर में इलाज करा रहे हैं वो सेंटर ठीक है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके। बुधवार को 3 दिन पहले हमारे यहाँ लेप्रोस्टोस्कोपी कैंप था, इसमें 10 महिलाओं का दूरबीन पद्धति द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। 2 महिलाओं की बच्चेदानी दूरबीन पद्धति द्वारा निकाली गई। 3 महिलाओं के बच्चेदानी में गठान थी जो 10 से 12 सेंटीमीटर की, तो उसे दूरबीन पद्धति द्वारा निकाला गया। 1 मरीज के ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन किया गया, 1 मरीज के चॉकलेट सिस्ट का ऑपरेशन किया गया और 1 मरीज के जो बच्चेदानी में सेप्टम था उसे निकाला गया। 2 अन्य डायग्नोस्टिक लेप्रोस्टोस्कोपी थे। इन 10 महिलाओं का सफल ऑपरेशन हुआ और सभी मरीजों की छुट्टी लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर दूरबीन पद्धति द्वारा हो जाती है। दूरबीन पद्धति द्वारा इलाज कराने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसमें हॉस्पिटल का जो स्टे होता है, जो हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, कम समय रुकना पड़ता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और बाद में जो मरीज को दर्द होता है कम होता है, ऑपरेशन के दौरान रक्त स्राव कम होता है और ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है, वुंड इन्फेक्शन, वो भी बहुत कम होता है।